दोस्तों आपका स्वागत है। आज मैं एक छोटी सी कविता आपके लिए लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है सुरक्षा। और मेरा ये मानना है कि हमारे व्यावसायिक जीवन में, हमारे निजी जीवन में हम लोग सुरक्षा को बहुत कम वैल्यू देते हैं, बहुत कम कीमत समझते हैं। और सुरक्षा के लिए हम सोचते हैं कि उसके साथ हो सकता है ऐसा हादसा, इसके साथ हो सकता है लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। हम देखते हैं रोड पर बहुत से लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं, बहुत से लोग बिना सुरक्षा के चल रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है और हमारे देश की जीडीपी को इससे बहुत नुकसान होता है, हमारे अपनों को, हमारे सपनों को बहुत नुकसान होता है। तो दो चीज़ें मैंने महसूस करी हैं, एक तो हम सुरक्षा को लेकर के थोड़े लापरवाह हैं और दूसरा कहीं ना कहीं हम सुरक्षा की कीमत को जान नहीं पाते। जब वो छूट जाती है, हमसे टूट जाती है, हमसे रूठ जाती है, तब कहीं जाकर के हम सुरक्षा को समझते हैं। और इस कविता को आवाज़ दी है माननीय वेद प्रकाश जी ने। और इस कविता के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि आप भी इसको आगे भेजें कि किसी हजारों लाखों व्यक्तियों में से अगर किसी एक व्यक्ति को भी ये कविता जगा पाए या कम सोने दे और हमारे यहाँ कुछ हादसे, कुछ एक्सीडेंट कम हो जाएं, तो शायद ये कविता अपने इस मुकाम पर पहुंच जाएगी। इसलिए देखिए इस कविता को, मुलाजा लीजिए कैसा लगता है। और आपको अच्छा लगता है तो आप कुछ जीवन में इसको उतारने का प्रयास कीजिए। सुरक्षा के प्रति अपने चिंतन को, मन को हल्का सा बढ़ाइए, ठीक है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और आपको प्रस्तुत करता हूँ ये कविता। सुरक्षा के लिए जो भी हो सकता है, हर उस कदम को हर कदम उठाया जाए, इसके लिए सभी को मिलकर चलना है, इसके लिए सभी को मिलकर चलना है। इसको ना तेरा ना मेरा, सबको माना जाए। अब सबकी सुरक्षा के लिए सबको टोका जाए, सबको टोका जाए। सुरक्षा है हर वक्त की जरूरत है, इसे दिन का या सिर्फ रात का विषय ही ना माना जाए। दिन रात का हर पहर और पहर का हर कतरा, दिन रात का हर पहर और पहर का हर कतरा, सुरक्षा के नियमों को संज्ञान में लाया जाए। अब सुरक्षा के लिए सबको टोका जाए, सबको टोका जाए। चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, भले हो देर से काम या काम को कल के लिए छोड़ा जाए, होंगे सुरक्षित तो करेंगे सब दिन काम, होंगे सुरक्षित तो करेंगे सब दिन काम। जीवन को जल्दीबाजी की भेंट ना चढ़ाया जाए, जल्दीबाजी करने से पहले घर में इंतजार करते बच्चे को, जल्दीबाजी करने से पहले घर में इंतजार करते बच्चे को ध्यान में लाया जाए। अब सबकी सुरक्षा के लिए सबको टोका जाए, सबको टोका जाए। सुरक्षा अपनी झंझट नहीं, सबका सौहार्द बढ़ाती है, सुरक्षा काम को नहीं जीवन की डोर बढ़ाती है। चाहे ऑफिस हो, रास्ता हो या हो अपना घर, चाहे ऑफिस हो, रास्ता हो या हो अपना घर, सुरक्षा को सबकी सांसों में बसाया जाए। अब सबकी सुरक्षा के लिए सबको टोका जाए, सबको टोका जाए। चाहे हम खुद हो, बच्चे हो, पड़ोसी हो, जूनियर हो या साहेब ही क्यों ना हो, सुरक्षा के नियमों को शिष्टाचार की सीमा में ना बांधा जाए, सुरक्षा के नियमों को शिष्टाचार की सीमा में ना बांधा जाए। अब सबकी सुरक्षा के लिए सबको टोका जाए, सबको टोका जाए। थैंक यू।